मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रही। कितनी बार कहा तुमसे कि बारिश में कहीं रुक जाया करो। चलो कपड़े बदल लो, स्कूटर छोड़कर टैक्सी कर लेते हैं। हाँ बराबर, मैं टैक्सी में आ जाता, जैसे बैंक में हमारा खजाना भरा है ना। अरे वो शेख भी जरा पानी बॉइल करके लाना जरा। कलीसा कलीसा ये वालिद हैं आपके पीछे देखे, वो है मेरे वालिद सिराज शेख, राइटर थे। रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। सागरों रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। मैं बोल देती हूँ दीदी, एक बार और कुछ ने मुझे काम करने के लिए बोला तो मैं काम छोड़ देगी। वो पहले वाला ठीक करता है, ये आइटम कहाँ से मिला। बहुत मुश्किल है ये सब। किसी दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके नहीं बैठ सकती हूँ, खासा शरीफ हूँ मैं, ये तो अभी तक जा नहीं गई होंगी। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे। सहर कैसी हो बेटी, और सरफराज कैसा है। हाँ हाँ उसे जरा फोन देना तो। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, और तुम्हारी छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बम्बई आओगे और कहाँ जाओगे। अम्मी सरफराज, निखत आपा बोल रही हूँ। हाँ हाँ सलाम, समझो मेरी बात तुम, अम्मी वहाँ आएंगी और तुम्हें अहमदाबाद लेके जाएंगी। हाँ अतिया खाला के पास। देखो सरफराज बहस नहीं करते। अब जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आऊंगी ना। अच्छा चलो खुदा हाफिज। निखत, ये जो माइकल नाम की जो परेशान रूह हैं जो आपके घर में भटकती रहती हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है। मेरी माँ के दोस्त हैं, मतलब पड़ोस में रहते थे, माँ अकेली थी, ताल्लुकात बन गए। अब अकेले रहना भी मुमकिन नहीं है ना। कुछ ज़्यादा जाती सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। जी माफ़ कीजिएगा, यूपी का हूँ, दखल देने की आदत है। वैसे आप रहते कहाँ हैं। यूँ तो लड़कियों का जाना वहाँ मना है। नहीं नहीं मैं चलती हूँ। हाँ मखा आप सबकी शाम बर्बाद कर रही हूँ। देखिए आप सब तो तकल्लुफ में आ गए। तकल्लुफ में नहीं, हम लोग घर पे आ गए, तकल्लुफ करने लगे। हाँ हाँ वही, प्लीज आइए। वैसे भी एक दूसरे की बदसूरत शक्लें देख के हम लोग बहुत उकता गए। अरे आप जाइए। अच्छा अरे पिताजी की अच्छी आदतों को अपनाने में क्या बुराई है भाई। अपने अब्बा जान की रंगीन तबीयत का कुछ तो ख्याल करो यार। सॉरी सॉरी गलत सवाल। वो जब श्यामल ने आपके वालिद साहब का जिक्र किया तो आप अचानक नाराज क्यों हो गए। क्या जरूरी है कि जो बात दिमाग में हो जुबान पे भी आए। हो सकता है मेरे लिए कोई नाजुक बात हो। मैं आपसे कोई जाती सवाल पूछूं तो पूछिए। क्या चाहते हैं आप जिंदगी से। कि पहले से बेहतर हो। आपके घर से फोन आया था, वो ढूंढ रहे हैं आपको। वो कह रहे थे प्रेम कुमार जी के यहाँ से गाड़ी आई थी, मैंने कह दिया आप यहीं पे हैं, वो आपको लेने आ रहे हैं। वो रिहर्सल था ना, मैं तो भूल ही गई। प्रेम कुमार जी काफी मसरूफ आदमी हैं, सुबह के 2 बजे रिहर्सल। इस तरह
तरह की बात, इस तरह की बात करने का। श्यामल, आप मुझे नीचे छोड़ने आएंगे? कहाँ रहे थे आप? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं आपका। बैठिए।